नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौहान वंश के विषय में, जिसने राजपूताना के क्षेत्र में शासन किया था। काफ़ी ये जो है शक्तिशाली राजवंश के रूप में जाना जाता था, और इनका जो मुहम्मद गोरी के साथ जो संघर्ष हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गोरी, तो वो बड़ा प्रसिद्ध है। तो सारा कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, चौहान वंश। चौहान वंश जो कि राजपूत शासक थे, इनको जो है शाकंभरी चौहान भी कहा जाता था। देखिए, जो चौहान वंश के शासक थे ना, उन्होंने अलग अलग बहुत सारे स्थानों से शासन किया था, मतलब कि विभिन्न शाखाओं के माध्यम से शासन किया था। जिनमें से सबसे प्रसिद्ध जो था, जो चौहान वंश, वो था दिल्ली और अजमेर के आसपास शासन करने वाले चौहान वंशीय शासक, जिनको शाकंभरी चौहान भी कहा जाता है। याद रखेंगे, शाकंभरी चौहान कहा जाता है जिन्होंने दिल्ली और अजमेर जो कि राजस्थान में है, तो इसके आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया था। इस वंश की स्थापना हुई थी लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस वंश की स्थापना हुई थी। संस्थापक याद रखेंगे वासुदेव। कब हुई थी स्थापना? 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण शासक है ना, उसमें आपको कुछ को ही याद रखना है, विशेष रूप से पृथ्वीराज तृतीय अथवा पृथ्वीराज चौहान को ही आपको याद रखना है, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया था, तो उस बीच दूसरे जो शासक हुए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी जरूरी होगा मैं बताऊंगा। तो वासुदेव को याद रखना है क्योंकि ये संस्थापक था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस वंश की स्थापना हुई। उसके बाद अगला नाम आप लोगों को याद रखना है, अजय राज। ये कौन था अजय राज? तो मतलब इस वंश का शासक था। इसके बारे में केवल एक चीज याद रखना है कि अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी। अजमेर जो कि कहाँ है? राजस्थान में। मैंने अभी बताया कि ये लोग जो है दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में शासन करते थे। तो अजमेर जो है अजय राज द्वारा स्थापित करवाया गया था। बहुत बार ये पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अजय राज द्वारा अजमेर नामक नगर की स्थापना की गई, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक मतलब महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक रहा है। ये जो अब जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे ना, सल्तनत काल, मुगल काल, तो उस टाइम पर अजमेर का भी बार बार नाम आएगा। तो ये जो अजय राज था ना, लगभग 12वीं शताब्दी के आरंभ में मतलब कि 1100 ईस्वी के बाद इसने शासन किया था। उसके बाद अगला नाम याद रखेंगे, विग्रहराज चतुर्थ बिशलदेव, जो कि लगभग 1153 से 1163 ईस्वी तक शासन किया था इसने, मात्र 10 वर्ष तक। तो इसके बारे में जो है कुछ चीजें जान लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए, इसने जो है चालुक्य राजा को परास्त किया था। देखिए, इनके समय में जो है ना गुजरात क्षेत्र में, वहां पर चालुक्य वंशीय शासक शासन करते थे। मैंने बताया था कि जो चालुक्य थे वो अलग अलग शाखाओं के माध्यम से शासन करते थे, जिनमें से बादामी अथवा वातापी के चालुक्य वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे। उसके बाद वेंगी के चालुक्य, फिर कल्याणी के चालुक्य, इन सब पर डिटेल में वीडियो आप लोग को मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो है गुजरात में भी चालुक्यों की एक शाखा ने शासन किया था। तो विग्रहराज चतुर्थ बिस्सलदेव ने एक चालुक्य राजा को परास्त किया था, जो कि कहां का था? गुजरात का था। इसके समय में जो है जो चौहान वंशीय शासकों का जो राज्य है काफी विस्तृत हुआ, मतलब कि इसने अपने राज्य का विस्तार किया। इसने जो है अपने राज्य का विस्तार पंजाब, राजपूताना, इसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन सब क्षेत्रों तक फैला दिया। मतलब कि इसका जो राज्य था पंजाब तक फैला हुआ था। राजपूताना के बहुत सारे प्रदेशों को इसने जीत रखा था। इसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम वाला भाग है, वहाँ के कई सारे क्षेत्रों को इसने अपने अधिकार में कर रखा था। इसके समय की एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो लाहौर, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, तो इसके समय में जो है लाहौर में तुर्कियों का अधिकार हो चुका था। तो वहाँ पर जो है तुर्क शासक शासन करता था, तो उसने जो है इसके ऊपर आक्रमण किया था, विग्रहराज चतुर्थ के ऊपर आक्रमण किया था लाहौर के तुर्क शासक ने। उसके बाद अगला चीज याद रखना है कि ये जो विग्रहराज है, ये एक महान कवि था, महान लेखक था। इसने जो है एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है हरिकेल। हरिकेल नामक एक ग्रंथ की इसने रचना की थी, याद रखेंगे हरिकेल।
ये जो है कवि था और लेखक था, तो हरिकेल नामक ग्रंथ की इसने रचना की थी विग्रहराज ने। तो इसके संबंध में बस इतनी ही चीजें। उसके बाद अगला शासक याद रखेंगे पृथ्वीराज तृतीय अथवा पृथ्वीराज चौहान। ये जो है इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए हैं, सबसे प्रसिद्ध शासक हुए हैं। जो पूरा जो चौहान वंश है ना, इन्हीं के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज तृतीय अथवा पृथ्वीराज चौहान। एक चीज विशेष याद रखेंगे कि ये जो पृथ्वीराज चौहान है ना, ये तृतीय थे। इनके पहले जो है दो और राजा हुए थे जिनका नाम पृथ्वीराज था। तो इसको विशेष याद रखेंगे क्योंकि अधिकतर पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी का संघर्ष किसके साथ हुआ था, तराइन का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो ऑप्शन में आप लोगों को ऐसे ही देगा, पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस टाइप से भी कभी कभी दे देता है। तो आप लोग याद रखिएगा पृथ्वीराज तृतीय, जिसने 1178 से 1192 ईस्वी तक शासन किया। 1178 में इसका राज्याभिषेक होता है और ये जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बना करके शासन करता है। इसके पिता का नाम था सोमेश्वर, जो कि इससे पहले राजा था इस वंश का। तो इसने जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। 1178 से 1192 तक इसने शासन किया था। तो इसके समय की कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। तो देखिए गुजरात का राजा भीम, उससे जो है इसका युद्ध हुआ था। अच्छा मैंने यहाँ लिखा है तो 1182 में इसने जो है परमार्दी देव जो कि चंदेल वंश का शासक था, उससे उसको इसने परास्त किया। तो पृथ्वीराज चौहान ने परमार्दी देव को परास्त किया कब, 1182 में, परमार्दी देव जो कि चंदेल वंश का शासक था। उसके बाद 1182 में ही गुजरात के शासक भीम के साथ इसका युद्ध हुआ, लेकिन ये जो युद्ध है ना समझौते के माध्यम से खत्म हुआ। तो परमार्दी देव को परास्त किया, चंदेल वंश का शासक था, और ये जो भीम है ना ये कहाँ का शासक था, अपना गुजरात का शासक था। तो भीम और पृथ्वीराज के बीच जो है समझौता होता है, उसके बाद उनका युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद देखिए इसके समय पृथ्वीराज चौहान के समय में भारत में मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था। तो 1178 के आसपास मोहम्मद गोरी जो है गुजरात में आक्रमण करता है, और गुजरात में जो शासक होते हैं वहाँ का जो शासक होता है मूल राज, वो जो है अपना मोहम्मद गोरी को परास्त कर देता है कब, 1178 में। लेकिन मोहम्मद गोरी जो है हारने के बाद भी फिर से आक्रमण करता है, तो वो जो है बार बार आक्रमण करते ही रहता है मोहम्मद गोरी। तो आगे चल करके 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है संघर्ष होता है, मतलब कि मोहम्मद गोरी जो है भारत के ऊपर आक्रमण कर देता है। और तराइन के मैदान में, काफ़ी फेमस है ये नाम याद रखना है, तराइन, ये जो तराइन का मैदान है वहाँ पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों की सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध होता है कब, 1191 में। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की सेना को बुरी तरह से परास्त कर देता है। मोहम्मद गोरी को जो है हार का सामना करना पड़ता है, मतलब कि बहुत ही बुरी तरह से हारता है मोहम्मद गोरी। और वो जो है मोहम्मद गोरी उसको जो है पृथ्वीराज चौहान मुक्त कर देता है, मतलब कि उसको मारता नहीं है, उसको क्षमा कर देता है, और उसको जो है भारत की ओर कभी मत आना ऐसा कुछ कह करके उसको वापस भेज देता है उसके देश। देखिए ये जो है पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने जो है अपने शत्रु को जीवित छोड़ दिया। अगर उसको उसी समय खत्म कर दिए होते तो पता नहीं आगे का इतिहास क्या होता। खैर जो इतिहास में हुआ वही जानना जरूरी है। तो मोहम्मद गोरी 1191 में प्रथम तराइन के युद्ध में हार जाता है। अच्छा ये जो है तराइन का प्रथम युद्ध था, क्योंकि तराइन में जो है आगे भी युद्ध होंगे। तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की बुरी तरह से हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान जो है विजेता होता है। आगे चल करके मोहम्मद गोरी जो है अपनी सेना को फिर से इकट्ठा करता है, अपनी शक्ति बढ़ाता है, और एक वर्ष के पश्चात पुनः वो जो है भारत में आक्रमण करता है, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करता है। और 1192 में फिर से एक बार तराइन के मैदान में दोनों की सेनाएं आमने सामने होती है, और इस बार जो है मोहम्मद गोरी जो है पूरा छल कपट से काम लेता है, और जो पृथ्वीराज चौहान की क्या कमजोरियां हैं वो सब चीज को वो देख लेता है, क्या कैसे उसको हराया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए पृथ्वीराज चौहान जो है बहुत शक्तिशाली होता है, तो मोहम्मद गोरी ये चीज समझ जाता है कि इसको जो है शक्ति के बल पर हराया नहीं जा सकता, तो वो जो है छल से काम लेता है। और यहाँ उसकी मदद करता है जयचंद, जयचंद जो कि गढ़वाल वंश का शासक था,
जो कि कन्नौज में शासन करता था। कन्नौज वही जिसके लिए गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट और पाल इन तीनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ था। तो उसी कन्नौज में जयचंद शासन कर रहा होता है, गढ़वाल वंश का होता है। तो ये जो जयचंद है ना, अपना जो पृथ्वीराज चौहान है उसका ससुर भी होता है, मतलब कि जयचंद की पुत्री संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज तृतीय से हुआ होता है। लेकिन जो जयचंद है ना, वो पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो इस कारण से जयचंद जो है तराइन के दूसरे युद्ध में, मतलब कि मोहम्मद गोरी जब दूसरी बार भारत में आक्रमण करता है, तो जयचंद जो है मोहम्मद गोरी का साथ देता है और इसी कारण से पृथ्वीराज चौहान को दूसरे तराइन के युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। देखिए आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना भारत में विदेशी आक्रमण, जिसके तहत हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी का आक्रमण, तो उस टाइम पे जो है दोनों तराइन के युद्धों को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस मैं ऐसे ही बता रहा हूं। तो प्रथम तराइन का युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। लेकिन दूसरे वाले में 1192 में द्वितीय तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है जयचंद के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचता है और छल कपट के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हराने में कामयाब हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान को मार देता है मोहम्मद गोरी। तो इस तरह से जो है पृथ्वीराज चौहान का अंत हो जाता है। तो ये सारा कुछ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक नाम याद रखेंगे, चंद बरदाई, काफी इंपॉर्टेंट है। चंद बरदाई जो कि इसका दरबारी कवि था, इसका मित्र था, मतलब अपने पृथ्वीराज चौहान का, चंद बरदाई, चंद बरदाई, तो याद रखेंगे चंद बरदाई, ये जो है पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, उनका मित्र था। इसने जो है चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के लिए, मतलब पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। याद रखेंगे पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज के ऊपर। तो पृथ्वीराज चौहान को 1192 में मोहम्मद गोरी जो है मार देता है, उनकी हत्या कर देता है। उसके बाद मोहम्मद गोरी क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र जिसका नाम था गोविंद, उसको जो है अजमेर में अपने संरक्षण में राजा बना देता है, मतलब कि एक प्रकार से उसको जो है अपने अधीन सामंत राजा के रूप में अजमेर में उसको वहाँ का राजा बना देता है। और दिल्ली पर जो है इनके जो भी मोहम्मद गोरी के जो अधिकारी होते हैं, जो सैनिक अधिकारी, वो लोग अधिकार कर लेते हैं। आगे चल करके जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में, तो उसका जो गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो जो है दिल्ली, मतलब कि दिल्ली में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसको गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। आगे आने वाले समय में हम जो है गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, अभी इसके बाद जो है हम लोग भारत में विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सीधे जो है गुलाम वंश शुरू हो जाएगा, मतलब कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ना हम चालू करेंगे। तो ये सारा चीज याद रखिएगा। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, बिजौलिया अभिलेख, एक अभिलेख के विषय में जानकारी मिलती है, बिजौलिया अभिलेख कभी पूछा जा सकता है तो इसको नोट कर लीजिएगा, बिजौलिया अभिलेख। ये जो अभिलेख है ना, बिजौलिया अभिलेख, इसमें जितने भी चौहान वंश के शासक हुए हैं उनकी वंशावली दी हुई है, किसमें, बिजौलिया अभिलेख में। तो याद रखेंगे बिजौलिया अभिलेख से अपने जो चौहान वंश के शासकों की वंशावली प्राप्त होती है। तो आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। इसके बाद जो है आगे के वीडियोज में हम लोग विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, मतलब कि जो अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गोरी, उसके बाद फिर सीधे मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ना चालू करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलता रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।